सारा डोंगरी हमारा है। यहाँ जब सलीम चॉपर के बोलने से शटर खुलता है, सलीम चॉपर के बोलने से शटर बंद होता है। मेरा नाम सलीम चॉपर है और मेरी पैदाइश मुंबई में हुई। मेरी आधी जिंदगी डोंगरी पे बीती। 18 साल की उम्र में मेरी मम्मी गई थी बाजार लेने, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने बदतमीजी किया था और उसी वक्त मैंने पहला शॉट किया था वहाँ पे, तो वो मैंने चॉपर से ही मारा था। वो केस होने के बाद में फिर मैं भाईगिरी में इन्वॉल्व हुआ और वो मेरा लकब पड़ गया सलीम चॉपर। खाने का ऐसा था कि जब हमारी गर्लफ्रेंड होती तो हम लोग को 90% मतलब हम लोग को शौक होता था कोई 5 स्टार में जाके बैठे, 5 स्टार में खाए। जैसे सी प्रिंसेस में चले गए तो वहाँ पे दाल खिचड़ी हो गई और वहाँ का फिश फिंगर फेमस है, तो ज़्यादा वो खाने का रहता था। जब लव चल रहा था तब ये चल रहा था 5 स्टार का, जबकि मेरे को 5 स्टार का खाना पसंद नहीं, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड को पसंद था। है ये बिरयानी है, बिरयानी है ये खत्म हो गया। बिरयानी जो है ये एक नंबर बिरयानी जो आप खा के देखेंगे। ये कोरमा जिसे कहते हैं ये मुगलों की देन है। कोरमा हुआ, बिरयानी हुई, मुतंजन हुआ, पूरी बम्बई में चैलेंज हो रहा है, कोई डुप्लीकेट नहीं बना सका। 4 घड़े बिस्तू भरे, चोर तके ले ना सके, सबके सामने सब ले जाते हैं, खाओ, बना नहीं सकता। एक नंबर है, एक नंबर है। एक वास्तव आई थी, वास्तव तो मैंने कम से कम एक वास्तव तो कम से कम 500 बार देख लिया होगा। अरे वाह। और एक वो आतिश आई थी, उसमें मेरे को एक डायलॉग पसंद है, चल नवाब कहानियाँ से तेरी टांग लेके आते, वो डायलॉग मेरी बहुत फेवरेट थी। उसने जो जूता पहना तो मैं जूता पहन ले लेता हूँ, उसे जैसे कपड़े पहनता हूँ, उसके जैसे कपड़े जहाँ मिले वहाँ से ले लेता हूँ, उसकी हेयर स्टाइल, उसकी चलने की स्टाइल, उसकी बात करने की स्टाइल, भाईगिरी भी मैं उसकी स्टाइल में ही करता हूँ। गाना सुना ना भाई, दर्द दिल जीने का मरने का मजा देगा काल दिल। इससे ज़्यादा मैं गाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर गाना गाता तो फिर मैं फ्लैशबैक चलाता हूँ, मेरे को उसकी याद आ जाती है। वो भी मेरे पे इम्प्रेस इसीलिए हुई थी क्योंकि मेरा थोड़ा कॉपी संजय से मिली थी, इसलिए वो इम्प्रेस हुई थी। जैसे मैं होटल में आता तो सब फ्रेंड लोगों को बोलते थे संजू बाबा आ गया, संजू बाबा आ गया, तो यहीं से सिलसिला हम लोग का चला। अफलातून तुम्हारा एक नंबर है भाई। ये हमारा 1936 है दुकान है, जो 75 साल पुरानी दुकान है। ये अफलातून स्पेशली माना गया, इससे अपने को गोल्ड मेडल भी मिला हुआ है। ये सब अफलातून है, 6 वैरायटी अफलातून आता है इसके अंदर, मीडियम, थर्ड, ऐसा ये स्पेशल माना गया। ये जो जाफरान का है इसमें केसर पड़ता है, स्पेशल माना गया, जो अच्छा रहता है। भाई अफलातून से मेरी जवानी बरकरार है, अफलातून नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। हर लोग पसंद करते हैं इसे, जो मिठाइयों में खराब भी नहीं होता और अच्छा भी होता। बचपन में संजय दत्त की कुछ ज़्यादा पिक्चर देखता था, मैं संजय दत्त का फ़ैन था, तो जब मैं नूर मोहम्मदी में गया तो वहाँ पे संजू बाबा के नाम से था, तो मैंने वो खाया सिर्फ संजू बाबा के नाम से। जब खाया तो वो डिश मेरे को इतनी अच्छी लगी कि अब मेरे को संजू बाबा ही चलता है। मेरे इधर की एक स्पेशलिटी है, तो कहते हैं नली नहारी, जो रात भर पकाई जाती है, 8 घंटा 10 घंटा उसको तांबे के पतीले में कोयलों में पकाई जाती है वो, और आटे से उसको सील किया जाता है। वो बड़ी शौक से खाते थे संजय दत्त मेरे इधर। वो खाने के बाद उन्होंने अपनी खुद की रेसिपी मुझे दी, वो हम लोग बेच रहे हैं चिकन संजू बाबा बोल के, वो संजय दत्त की हाथ की दीवी रेसिपी है। एक मेरे इधर आइटम और है जिसको कहते हैं चिकन हकीमी, वो तंदूरी चिकन ही होती है लेकिन उसको मस्के के अंदर बनाया जाता है। मेरी तो गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग आइए, एक पड़ता हुआ खा के देखिए। जब डोंगरी में थे तो बचपन से ही मतलब खून खराबा देखते हुए, जब भी रोड पे खड़े थे वहाँ तो आए दिन झगड़े लफड़े, यही सब बस दिमाग में यही था। बस ऐसा लगता था कि उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई थी नहीं,
तो ये लगता था कि यही यही फ्यूचर है, यही शॉर्ट का रास्ता है पैसा कमाने का। माँ रिवाल्वर को बोलते थे, बच्चा गोली को बोलते थे। उल्टा भाषा में अभी आप किसी को बोलोगे यार मेरा दिमाग मत खराब कर, तो उल्टे भाषा में बोलते थे एरे माँ की हिमाग दागे आई माँ को उच्चा मत। एक पहले दौर था, एक दौर पहले भाई लोग का चला, फिर पाकिट मार लोग का दौर आया, फिर पाकिट मार लोग के दौर के बाद में फिर खबरी लोग का दौर आया, अभी वो खबरी लोग का दौर है। अगर मेरे को किसी ने कोई पूछा कि भाई तेरा लास्ट खाना है, इसके बाद में तू मरने वाला है, तो मैं आखिरी खाना फिश खाना पसंद करूँगा। फिश में प्राउन्स है, पापलेट है, ये दो चीज़ मैं खाना पसंद करूँगा। मिठाई में तो मैं काजू कतली ज़्यादा पसंद करूँगा। अगर अफलातून के बाद में कुछ पसंद करता तो काजू कतली। अच्छे से अच्छा आदमी आता, बुरे से बुरा, बिल्डर से बिल्डर, हर चीज़ इधर ही आती। यही मेरी मीटिंग होती है, ये होटल समझ लो मेरी ऑफिस है। ये हमारे लिए ढाबा बहुत लक्की है, इस ढाबे से मुझे कभी नुकसान नहीं हुआ है, माँ कसम। मैंने तकरीबन 10-15 बार ट्राई की। एक बॉर्डर पर आया तो वहाँ भी फायरिंग हो गया, दूसरी पर गया वहाँ भी फायरिंग। एक दो साथी मेरे साथ थे, वो मेरे साथ मार भी गए। ऐसा कोई मिला नहीं, हमें कोई रास्ता नहीं मिला कि हम अपनी कश्मीर में लौट कर वापस आएं।